लास्ट संडे जिन साहब के सवाल का जवाब दे रहे थे उन्हीं के सवाल तो अभी उनके कुछ सवाल बाकी हैं। इनके एक सवाल का तीसरा हिस्सा था कि अगर मेहनत के जरिए कंट्रोल ये नफ्से रहमानी के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर मेहनत के जरिए कंट्रोल मुमकिन है तो कुछ एक्सरसाइजेस और मशकें सजेस्ट कर दीजिए। बात यह है कि मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ असलूब हैं, हर सिलसिले में अपने हैं, हर मजहब में नफ्स को कंट्रोल करने के अपने तरीके और अपने असलूब हैं, अपनी रियासतें हैं। लेकिन मैं जिन साहब के साथ मुंसलिक था वहां मुजाहदों का, चिल्लों का और रियासतों का दखल नहीं था। वहां एक ही चीज पर जोर था, नेक नियति या दूसरे लफ्जों में अखलास, और दूसरा ये था कि अपनी जात से लड़ना कि मैं हत्तुल वसा जो इम्कानी हद तक कोशिश है वो यही करूं कि मैं अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल लूं। और यही वजह है कि जहां मैं मुंसलिक था जिन साहब के साथ, वो भरपूर दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे थे और अपनी जात को उन्होंने इम्कानी हद तक ताबे किया हुआ था कुरान और सुन्नत के। इंसान वही कुछ करता है जो वो अपने उस्ताद से सीखता है। तो मेरे यहां तो ऐसी मुजाहदे, चिल्ले, रियासतें, मशक्कतें है नहीं कि बताया जाए। मेरे यहां तो एक सीधा सीधा मामला है वो है अखलास का, नेक नियति और अपनी जिंदगी को। मैं इसलिए इम्कानी हद तक पर जोर दे रहा हूं कि हम सब इंसान हैं और इंसान भी वो जो गुनाहों में डूबे हुए होते हैं, सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना खासा दुश्वार हो जाता है। तो इंसान अपने तौर पर कोशिश पूरी कर ले नेक नियति के साथ कि मेरी जिंदगी सुन्नत की पैरवी में, कुरान की के मुताबिक गुजर जाए। तो ये तमाम मरहले खुद ब खुद तय हो जाते हैं, खुद ब खुद ही नफ्से रहमानी हासिल हो जाता है।
ये एक्सरसाइजेस तो मैं शायद कोई सजेस्ट ना कर सकूं, लेकिन ये जरूर मैं अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत में कि आप अपनी जिंदगी को ढाल लीजिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक, नफ्स रहमानी खुद हासिल हो जाएगा आपको। एक बड़ी सिंपल सीधी बात है कि अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कोई एक्सरसाइज नहीं की किसी मकाम तक पहुंचने के लिए। रब को जरूर याद करते रहे तन्हाई में, गारे हिरा में, लेकिन दुनियावी जिंदगी भरपूर गुजारी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसी किस्म के कोई मुजाहिदे, कोई चिल्ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटे हैं। हम उन किस्सों में क्यों पड़ जाएं फिर? इनका अगला सवाल है कि आपके एक लेक्चर में एक साहिब हैसियत शख्सियत का जिक्र है जिन्होंने लाहौर से बाहर एक जिनिंग फैक्ट्री में बहुत ऑर्डिनरी नौकरी कर ली थी, क्या उन्हें रूहानियत हासिल हो गई थी? अब ये सवाल उठते रहेंगे। जब तक के हमारे जहन में रूहानियत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिस दिन रूहानियत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे जहन में, हम ये पूछना छोड़ देंगे कि किसी शख्स को रूहानियत हासिल हुई या नहीं हुई। जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब, बड़ा मशहूर किस्सा है कि उनकी महफिल में एक साहब आके बैठ रहे थे, तो एक दिन उठ के जाने लगे तो जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब ने उनसे पूछा कि आप यहां आते हैं लेकिन कभी आपने कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे, खैरियत है? उन्होंने फरमाया कि मैंने आपके बारे में सुना ये था कि आप बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, तो मैं यहां आके बैठ के देख रहा था कि आप वली अल्लाह हैं या नहीं है। जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब ने जो सवाल पूछा वो ये नहीं था कि क्यों आप मायूस क्यों हुए मुझसे, क्या आपने मेरी कोई करामत नहीं देखी, क्या आपने मुझे हवा में उड़ता हुआ नहीं देखा, पानी पर मुझे चलता हुआ नहीं देखा, या हवा में हाथ बढ़ा के हवा से में से कोई चीज पकड़ के आपको खिलाते नहीं मुझे देखा आपने? ये कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा, फरमाया कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, क्या आपने यहां कोई खिलाफे सुन्नत कोई काम देख लिया है जो आप मुझसे मायूस हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, खिलाफे सुन्नत तो कोई काम नहीं देखा, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना था कि औलिया इकराम के मुखालफीन की तादाद बहुत होती है, तो यहां तो सब आपके मोतकिद हैं, कोई मुखालिफ से बैठा नहीं। तो आप मुस्कुराए, फरमाया कि दरिया के पार जाके जरा देख लें। दरिया के पार कूफा था, तो वहां वो गया तो देखा कि बेपना मुखालफत है हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर की। बाकी किस्से को छोड़ दीजिए, ये देखिए कि एक ऑथेंटिक वली अल्लाह जिनके बारे में हमारा कहना यह है कि वो गौसल आजम हैं, उनके नजदीक किसी आदमी का उनसे मायूस हो जाना
उसका मतलब यह है कि उसने वहां कोई खिलाफ शरा या खिलाफ सुन्नत काम होता देख लिया है। ये चीज वाजे कर देती है कि जिसको हम रूहानियत समझ रहे हैं और रूहानियत नहीं है, बल्कि औलिया किराम के नजदीक तो वो मदारी के शोबदेबाजी से ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, वैल्यू नहीं रखती, ये लफ्ज है इसमें। अल्लाह ताला इनायत करता है, बड़ी मेहरबानी उसकी, लेकिन खुद वली अल्लाह उसको मदारी की शोबदेबाजी से ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं है। हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर ने यह भी नहीं पूछा क्या तुमने मुझे मुस्तजाब दावत नहीं पाया, क्या मेरी की हुई दुआएं कबूल नहीं होती। ये तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं रूहानियत वाले आदमी का कि उससे करामात सरजद हों, उसकी दुआएं कबूल हो रही हों, जो वो जुबान से कह दे वो हो जाए। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि जो जिंदगी वो गुजार रहा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। कोताहियां उससे होंगी इसलिए कि वो इंसान है, लेकिन जनरली उसकी जिंदगी क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। उन साहब पर अल्लाह की रहमत हो गई, या मैं अगर आपके अल्फाज में बात करूं तो उन्हें रूहानियत हासिल हुई तो उन्होंने अपनी इतनी पुरताइश जिंदगी छोड़कर एक मामूली नौकरी कर ली कि अल्लाह ने उन पर करम कर दिया, उनके जहन से बात ही निकाल दी अल्लाह ने कि इस दुनियावी माल उजर की कोई वैल्यू भी है। अल्लाह ने उनके दिल में ये बात रासिख कर दी कि अगर मुझे इतना हासिल हो जाए कि मेरी बुनियादी जरूरियात पूरी हो जाए, बेरेस्ट मिनिमम है, तो काफी है मेरे लिए। मेरी जिंदगी का मकसद पुरताइश जिंदगी गुजारना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मैं अपने रब को पुकारता रहूं। तो ये अल्लाह ने उस शख्स पर कर्म किया, ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जब अल्लाह ने उसे ये फहम व फरासत अता फरमा दी। तो ये सवाल कि उसे रूहानियत हासिल हो गई, उसको इस पे जज कीजिए, इस पे जज न कीजिए कि आप मुझसे ये पूछें कि वो क्या चीचा बतनी तक लाहौर से हवा में उड़ते हुए चले जाते थे या नहीं चले जाते थे, या जो मुल्तान रोड के साथ साथ नहर बहती है साहिबाल से चीचा बतनी तक, उस पर पैदल चलकर चले जाते थे पानी पर, वो कोई अलामत नहीं है। साधु भी हिंदू है, साधु पानी पर चल लेता, हवा में उड़ लेता, उसमें क्या है। यहूदी काहन जो है ऐसे काम दिखा देंगे आपको, राहब ये काम कर दिखाएगा आपको। तो क्या उनको हम ये कह लेंगे कि वो अल्लाह के मुकर्रबीन में से हैं। इनका अगला सवाल है कि अगर मुनासिब समझें तो ये एक्सप्लेन कर दें कि सिलसिले जुनैदिया में लफ्ज अल्लाह किस तरह पढ़ा जाता है। और ये सवाल लेक्चर 103 से रिलेटेड है कि जहां आपने ये कहा था कि 11 है सब कुछ लफ्ज अल्लाह ही के जिक्र में, 11 और नफी और इस्बात की
ضرب اور سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں جس طرح اللہ ہو پڑھا جاتا ہے اس پر نظر ڈالی تھی. Question is based on curiosity only and the intention is not to read it. Oh. تو بھائی اگر پہلے سوال سے لکھتے تو میں نہ پڑھتا اس کو. دیکھیے اللہ کو ہم اگر اس طرح پڑھیں گے اللہ اس اللہ یا اللہ یہ اس طرح ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن جب ہم اسے روانی سے پڑھتے ہیں تو یہ ایک ریدم میں چلا جائے گا. جب آپ بطور تسبیح سے پڑھیں گے سجدہ جنیدیہ میں تو وہ ایک ریدم میں چلا جائے گا. اب آپ اگر ایک ایک کر کے پڑھیں اللہ اللہ, لیکن جب آپ تیز پڑھتے ہیں اللہ 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 اللہ, یہ ریزم بن جائے گا اس کا, اور اس کے اثرات دیکھیے بالکل مختلف ہو جائیں گے. یہ 6 بار پڑھنے سے دونوں کا فرق ابھی آپ کو احساس ہو گیا ہوگا. تو یہ ریزم میں چلا جائے گا خود ہی, اور اس کے اثرات ایک دم سے ذہن پر, ذہن قبضے میں لے لیتا ہے یہ لفظ. ابھی میں نے غالباً 6 بار پڑھا ہے, ذہنوں پر اثر شروع ہو گیا ہوگا آپ کے, تو یوں یہ ذہن کو کنٹرول کر لے گا پھر, اور انسان رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو اس کے پڑھنے کا یہی طریقہ, اور کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہو کے پڑھا جائے, اس طرح سے بیٹھ کے پڑھا جائے, اس کے کچھ نہیں ہے. ہمارے سلسلے میں جہاں سے میرا تعلق ہے, یا یوں کہہ لیجئے سلسلہ ملکیہ میں داخل ہوں گا کہیں, کہ جن حضرت صاحب کے ساتھ میں منسلک تھا وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انسان کسی خاص حالت میں بیٹھ جائے, کسی خاص حالت میں کیفیت میں چلا جائے, کپڑوں سے باہر ہو جائے, سڑک پر ہاتھ ہلاتا ہوا باتیں کرتا ہوا چلے. اس کی سخت ممانعت تھی. بڑے شاہ صاحب انتہائی سخت تھے ان معاملات میں, حتیٰ کہ میں نے یہاں ایک قصہ بیان کیا تھا اپنا, کہ ایک دن وہ بہت موڈ میں تھے تو میں ان کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا. وہ اپنے ایکسپیرینس سنا رہے تھے کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا, میں نے وہ ایکسپیرینس کیا باتیں. تو میں اتنا محو تھا ان کی باتیں سننے میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب ان حضرت صاحب کی تسبیح اٹھائی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. پڑھ نہیں رہا تھا, میں بے خیالی میں کھیل رہا تھا تسبیح سے. ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا, پبلکلی بھی نہیں, وہاں صرف میں تھا اور مرشد صاحب تھے. تو بڑے مزے سے باتیں کر رہے تھے, سڈنلی نظر ان کی شاید میرے ہاتھوں میں پڑ گئی. تو وہاں تسبیح دیکھی تو ایک دم سے وہ خوشگوار موڈ ایویپوریٹ ہو گیا, اور اس کی جگہ جلال نے لے لی. اور بڑے غصے میں مجھ سے انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھ کے سلام کریں؟ میں نے سوچا, میں نے کیا کہا ہے, میں تو خاموش بیٹھا سن رہا ہوں. وہ میں نے ریلائز کیا کہ وہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور, یہ تو آپ کی تسبیح ہے جو یہاں پڑی. نہیں, تم یہی چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ نیک سمجھیں اور سلام کریں جو تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہو. میں نے پھر کہا کہ حضور آپ کی ہے, یہاں پڑی تھی, میں آپ کی باتوں میں اس طرح سے غرق ہوا تھا, مجھے احساس نہیں ہوا. میں نے اٹھا کے اس سے کھیل رہا تھا, پڑھ بھی نہیں رہا تھا, میں تو آپ سن رہا تھا توجہ سے. لیکن وہ جلال وہیں رہا کہ تمہارا تو زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور سلام کریں. بڑی مشکل سے ان کو یقین دلایا. بہت سختی تھی ان باتوں کی کہ
इंसान की चाल ढाल लिबास गुफ्तगु, इससे किसी तरह ये पता चले कि ये नेक आदमी है। बड़ी सख्ती थी इस पर, ये होना नहीं चाहिए। उस वक्त शायद उसके मुझे मजमरात समझ में नहीं आते थे, लेकिन रफ्तार रफ्तार समझ में आए कि वो बात दुरुस्त थी कि लोग जब आपकी ताजीम में खड़े होते हैं, आपके हाथ चूमते हैं, आपको सलाम करते हैं, कोई इंसान कितना ही अपने ऊपर कंट्रोल क्यों ना करे, उसका नफ्स फलता फूलता है। और जब नफ्स फलने फूलने लगे तो फिर गलत है। तो आप इसको आराम से नमाज के बाद पढ़िए। जिन साहब का भी ये सवाल है, मैं उनको मुखातिब कर रहा हूं, सबसे नहीं कह रहा। तो नमाज के बाद आराम से पढ़िए, बैठ के जैसे पढ़ते हैं जा नमाज पे बैठे हुए, ये रिदम बन जाएगा और इसको ये खुद आपको वो रिदम जो है उसके जरिए से इस लफ्ज के पढ़ने के असरात आपके जहन को कब्जे में ले लेंगे और आप रब की तरफ रागिब होना शुरू हो जाएंगे। ये जहां तक इन्होंने किया, इनका सवाल बाजे नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं समझाऊं वो ये शायद किसी जमाने में मैंने बात की होगी कि जो हर्फ है ये बहुत मायने रखता है, इसके असरात बहुत स्ट्रांग हैं। हर्फ जब मिल जाएं दो चार, या यूं कहिए कि हरूफ का मरकब लफ्ज कहलाता है, और जब लफ्ज इकट्ठे होते हैं तो वो आयत बन जाती है, और जब आयत इकट्ठी होती हैं तो सूरा बन जाती है, और जब सूरतें इकट्ठी होती हैं तो कुरान पाक वजूद में आता है। बुनियादी यूनिट इसमें हर्फ है, उसके अपने असरात हैं, उसके तहत फरिश्ते हैं। कुरान पाक का हर हर लफ्ज जो है उसके मातहत फरिश्ते हैं, वो उसके मातहत भी हैं और वो उन फरिश्तों की गिजा भी है। तो जब हम एक ही जगह बैठ के एक ही वक्त पर वो लफ्ज वो आयत पढ़ते हैं तो फरिश्ते शौक से आके बैठ के उसको सुनते हैं, तो उनकी मौजूदगी वहां होने लगती है। और ऐसा होता है कि जब नहीं इंसान पढ़ता नागा कर लेता है तो वो फिर भी आते रहते हैं वहां, तो जिसको हम कहते हैं रहमत के फरिश्ते। इसीलिए बुजुर्गों के पास जब जाते हैं तो वो आपसे ये कहते हैं कि एक मखसूस वक्त में मखसूस जगह पर बैठ के पढ़िए आप। उसके पीछे एक तो ये है जो मैंने अर्ज की, एक इंसान की अपनी नफ्सियात से मुतालिक बात होती है कि इंसानी जिस्म की साख्त ऐसी है कि इंसान के आज़ा जो हैं वो सुकून में आते हैं फैमिलियर जगह पर। तो जब हम एक मखसूस जगह पर बैठ के पढ़ते हैं तो फैमिलियर होती है वो जगह, तो इंसान के एहसाब जो हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, टेंशन नहीं होती। नई जगह पर जाके बैठ के पढ़ेंगे तो एहसाब टेंस रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक ही जगह बैठ के पढ़िए ताकि आपके एहसाब बहुत रिलैक्स्ड हों और आपको उसके साथ मिले। अब इन्होंने नफी और असबात की जर्ब और सिलसिला कादरी और सिलसिला चिश्तिया का जिक्र किया है कि उसमें लहू पढ़ा जाता है
मुझे नहीं मालूम कि ये क्या इससे चाह रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन कर दूं। अगर लिख देते तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता। साहब का सवाल है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड नेचर, व्हिच विल प्रिवेल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। पहली बात तो ये है कि दुनिया में दो तरह के रिलीजन्स राइज हैं। एक वो जो मैन मेड है, जो इंसान ने अपने जहन से सोचा, और जो डिवाइन रिलीजन्स हैं उनमें से अच्छी बातें एक जगह इकट्ठी करके उसको एक मजहब की सूरत दे दी। और कुछ रिलीजन्स हैं जो डिवाइन हैं, जैसे यहूदियत है, ईसाईयत है, ये डिवाइन रिलीजन्स हैं। वो रिलीजन्स जो डिवाइन बुक्स के नतीजे में वजूद में आए हैं वो डिवाइन रिलीजन्स हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये रिलीजन्स अलहदा हैं हमसे, तो हम गलत कह रहे ही होते हैं। मैंने भी अभी जो बात कही वो गलत कही आपसे। दर हकीकत एक ही ये पैगाम है जो तमाम पैगंबर दुनिया में लाते रहे हैं। एक ही पैगाम है ये जो तमाम डिवाइन बुक्स में लिखा हुआ है, सहीफों में लिखा हुआ है। फर्क ये है कि इसको इब्तदाई शक्ल से इस पैगाम को नाजिल किया गया है इंसानों पर। जो जो इंसानी जहन की इर्तका होती गई है, इंसानी जहन की तरक्की होती गई है, हर आने वाला मैसेज पहले मैसेज से एडवांस्ड होता रहा, हत्ता के बात इस्लाम तक आ गई। इस्लाम ने दीन को मुकम्मल कर दिया। इसीलिए रब का कहना भी यही है कि आज दीन मुकम्मल हो गया। और क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया, इसके बाद कोई फर्दर मैसेज नहीं आएगा, तो मैसेज जिनके जरिए आता था वो भी सिलसिला रुक गया। तो यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। ये लॉजिकली यूं हम प्रूव कर सकते हैं नॉन मुस्लिम्स पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल क्यों हैं और ये किताब आखिरी क्यों है। इसीलिए कुरान उन चीजों की तस्दीक करता है जो कुरान से पहले उतारी गई किताबों में मौजूद है, कंट्राडिक्ट नहीं करता उनको कि ये एक ही सिलसिला चला आ रहा है। तो ये रिलीजन्स जो हैं, जो अल्लाह ताला ने उतारे, या यूं कह लीजिए कि जो पैगाम मैसेजेस आते रहे और बिल आखिर इस्लाम ने उनकी तकमील कर दी कि आखिरी शक्ल दे दी उनको, ये सब इंसानी फितरत के मुताबिक हैं। इसलिए हम दीन फितरत कहते हैं इस्लाम को, कि इंसानी फितरत के बहुत करीब है, ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है ये, तो इसलिए ये दीन फितरत कहलाता है। तो ह्यूमन नेचर और इस्लाम, इसमें
ये एक दूसरे पर बर्डन नहीं बनते बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि ये दीन इलाही फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। इसको एडॉप्ट करना इंसानी फितरत पर बोझ नहीं बनता, कोई फर्क नहीं है इस्लाम में और इंसानी फितरत में कोई। किसी साहब ने ख्वाब से मुतालिक बात पूछी है कि मुर्शिद को ख्वाब में देखने की और होने वाली गुफ्तगु की रूहानी हैसियत क्या है। देखिए, ख्वाब के बारे में जब यहां गुफ्तगु हो रही थी तो मैंने एक बात वाजे करने की कोशिश की थी कि एक ही ख्वाब की कई ताबीरें निकल आएंगी। वो इस तरह से ख्वाब देखने वाले की रूहानी कैफियत क्या है, ख्वाब किस वक्त देखा गया, ये इसका ताबीर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब मुर्शिद साहब को जिसने ख्वाब में देखा, जैसे अगर मेरे जैसा बंदा देख ले अपने मुर्शिद साहब को ख्वाब में तो डंडे ही पड़ेंगे कि गलतियों पे गलतियां करता हूं मैं। जनाब मुर्शिद साहब किबला मुर्शिद साहब की जिंदगी में मैं डंडे उनसे हर रोज ही खाता रहा अपनी हरकतों की वजह से, अब भी डंडे ही पड़ेंगे। मैं किसी को जाके अगर अपना ख्वाब सुनाऊं कि मैंने जनाब किबला मुर्शिद साहब को ख्वाब में देखा, तो वो अगर ताबीर का इल्म रखता है इंसान तो छूटते ही मुझे कह देगा कि आपने क्या गलती की थी ये बताइए। तो डिपेंड करता है कि देखा किसने है। अब अगर मैं पढ़ाई में गलती करूं और मेरे मुर्शिद साहब आ जाएं ख्वाब में और आके कोई मुझे पढ़ाई करने को कहें, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे अता की है पढ़ाई, उसका मतलब ये है कि मैं पढ़ाई पढ़ने में कहीं गलती कर रहा हूं। तो वो डिपेंड करेगा कि ख्वाब देखने वाला कौन है। इसलिए इसके बारे में एक हतमी बात कहना कि ये रूल है इसका, उसके बारे में कुछ अर्ज नहीं किया जा सकता, ये डिपेंड करेगा। ये बड़ी पुख्ता लिखाई है इन साहब की जिन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन प्रॉब्लम बाज कर ये बन जाती है कि इस तरह की पुख्ता तहरीर वो बाज का समझ में नहीं आती। तो जिन साहब ने भी ये सवाल लिखा है अगर जरा सा इसको क्लियर करके लिख दें, जिसकी वजाहत करने के लिए मुझे आपने फरमाया है वो क्लियर करके लिख दीजिएगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी इसकी वजाहत जरूर कर दूंगा। दे दीजिएगा किसी साहब ने सवाल पूछा हुआ है, मसला वादतुल वजूद की वजाहत फरमा दें और मेरे बारे में कहा कि अपना नुक्ता नजर भी
बयान कर दें इसके बारे में। ये एक दो बार पहले भी ये बात हुई तो मैंने एक अर्ज की थी कि ऐसी बातें जिनसे उम्मत मुस्लिमा में इख्तलाफात पैदा हुए हैं, हमें चाहिए कि हम हतुल वसा उन मसाइल को डिस्कस करने से परहेज कर लें। ऐसे सवाल, ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू जो मुख्तलिफ मकातबे फिक्र की दिल आजारी का सबब बन जाए, उनको दुख पहुंचे। फकीर कभी ऐसे मौजूआत को नहीं छेड़ता, दूर रहता है। कि फकीर का बुनियादी मसलक यह है कि मुसलमानों में इत्तेहाद रहे और किसी का दिल न दुखे। ये जो मसला वाजतुल वजूद, ये तो ऐसा मसला है जिस पर खासा खून बह गया मुसलमानों में, ये निजा का सबब बन गया। जनाब मोहम्मद इब्ने अरबी ने ये बहस छेड़ी थी। जनाब मोहम्मद इब्ने अरबी इंतहाई बुलंदी पर थे इल्म की, और उन्होंने गालिबन, मेरा अपना उसके बारे में ख्याल है, कि वो इतनी एडवांस लेवल की गुफ्तगू उन्होंने कर दी जो उनके वक्त से बहुत पहले थी। आम आदमी उसकी बारीकियों को समझ नहीं सका, और नतीजा यही हुआ कि इख्तलाफात इतने पैदा हो गए मुसलमानों में कि मुसलमानों का खून बह गया इस मामले पर। अब अल्लाह अल्लाह करके ये मसला दबा हुआ है आजकल, तो हम इस मसले पर ना ही डिस्कस करें तो बेहतर, कि जो लोग इससे इख्तलाफ रखते हैं उनका दिल दुखेगा, उनकी दिल आजारी हो जाएगी, और जो इसमें यकीन रखते हैं उनके लिए तो शायद हूं। और जहां तक मेरी जाती बात है तो मैंने ये अपने ही नुक्ता नजर आपको बताया कि मैं इन चीजों से दूर ही रहूंगा। मेरा एक बड़ा सिंपल सीधा सादा ईमान है कि पूरी कायनात रब की है, वो इसका मालिक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी नबी हैं। बाकी जहां तक फकीह हजरात की बात है जिन्होंने फिका की, वो उन्होंने उसको अपने इल्म के मुताबिक फिका को एक्सप्लेन किया है, तो जहां इंसानी दिमाग इन्वॉल्व हो जाएगा वहां एम्बिग्युटीज और स्लिप्स, इसके इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। वहां चूंकि नुक्ता नजर है वो, उससे इख्तलाफ हो सकता है, और यही वजह है कि हमारे यहां मुख्तलिफ मकातब फिक्र वजूद में आ गए। वो इस्लाम नहीं है, वो तफसीर बयान की गई है फिका की, तो उस पर इख्तलाफ आते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि बजाय उन चीजों को हम डिस्कस करें जिससे इख्तलाफ सामने आए या इख्तलाफ बढ़ जाए, हम वो बात करें जिस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये बात मैं अपने इजाद के लिए कह रहा हूं, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं,
कि पहले ये है कि मैं ये तो इंश्योर कर लूं कि रब ताला ने जो बातें बड़ी वाजे करके बयान कर दी हैं कि एक मुसलमान को ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दे दिया अपनी हयात तैयबा की सूरत में, मैं उसके वो तमाम नुकात तो पूरे कर लूं। मैं तो अभी तक यही नहीं कर सका कि मैं दूसरों का हक ना मारूं, मैं अपनी जात से यही नहीं निकाल सका। मैं किसी से कर्ज ले लूं कभी जिंदगी में आज तक वापस ही नहीं किया मैंने, हालांकि अगर मुझसे आप पूछें तो मैं अदायगी कर्ज के बारे में फौरन आपसे कह दूंगा कि साहब कर्ज की अदायगी तो इतनी अहम है कि शहीद जिसके बारे में रब ताला ने कुरान पाक में इतनी मजे की बात कह दी कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उनको मुर्दा ना समझो, तुम्हें उसका शऊर नहीं है। इस मर्तबे का इंसान जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया और वो बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, मासवाय एक बात के कि उसके जिम्मे किसी के कर्ज की अदायगी हो। कर्ज की अदायगी की जहां इतनी अहमियत है, मैं तो आज तक उसी पर अमल नहीं कर सका, तो मुझे तो उसकी फिक्र होनी चाहिए। यौम हिसाब मुझसे सबसे पहले जो पूछगिछ होगी वो नमाज की होगी। मैंने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी जिंदगी में, मुझे उसकी फिक्र नहीं हुई अभी तक कि मुझसे अल्लाह ताला सबसे ये पहले ये पूछेगा कि नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, जकात देने से मैं वैसे भाग जाता हूं, बैंक में दो अकाउंट खोले हुए हैं कि मैं ये कम रमजान से दो दिन पहले अपने सेविंग अकाउंट में से पैसा निकाल के उस करंट अकाउंट में डाल देता हूं कि जकात ना काटने पाए बैंक। तो मुझे ये फिक्र नहीं हुई कि इस पर मेरी पूछगिछ हो जाएगी। झूठ मैं बहुत रवानी के साथ बोलता हूं, इतनी रवानी के साथ कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि झूठ बोल रहा है, तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है कि झूठ मैं बोलता हूं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि मैं कम से कम ये चीजें तो पहले ठीक कर लूं अपनी। तो मसला वादतुल वजूद और मसला शहूदुल वजूद उसके ऊपर मैं डिस्कस करने बैठूं तो उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा, मेरे अमाल क्या ठीक हो जाएंगे? तो मैं अपने अमाल की तो पहले फिक्र करूं कि उनको दुरुस्त कर लूं मैं, फिर मैं इन बारीक इल्मी बहसों में पढ़ूंगा तो मुझे बहुत फायदा होगा। अभी तो मुझे हिसाब किताब देना अल्लाह को बड़ा दुश्वार, क्या नामुमकिन है कि मैं क्या बताऊं उसको रब ताला को कि मैंने सारी उम्र वो किया जिससे तूने मुझे मना किया, मैं सारी उम्र उन चीजों से दूर भागता रहा जिसकी तूने ताकीद की कि ये करो। तो पहले वो तो मैं निमटा लूं कि रब ताला को जवाब तो चलिए 100% मैं जस्टिफाई ना करूं तो कम से कम 5% तो जस्टिफाई कर सकूं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि आपने मुझसे मेरा नुक्ता नजर पूछ लिया तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वरना मेरी मजाल नहीं कि मैं किसी को अपना नुक्ता नजर बयान कर सकूं, क्योंकि वो अभी इतना इब्तदाई मामला है। जैसे मैंने अर्ज किया
कि मेरे लिए तो यही एक मसला बना हुआ है कि मैं अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरे का हक मार लेता हूं, मैं उसी से जान नहीं छुड़ा पा रहा। अभी मेरा बेटा कोई किसी का नुकसान कर दे, मैं बड़े इत्मीनान से झूठ बोल दूंगा कि नहीं उसने तो नहीं किया। तो इससे तो जान छूटे पहले मेरी। तो ये है मेरा नुकता नजर कि इन बातों से मैं जान छुड़ा लूं पहले, कि अल्लाह के हुजूर जब जाऊं चलू 5% तो हो मेरे पास, बाकी 95% मैं उसकी रहमत पर छोड़ दूं कि वो माफ फरमाने वाला है, बख्श देने वाला है। इनके और सवाल आते हैं, बड़े मजे के सवाल हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे इस पे बात करेंगे। अभी इजाजत चाहूंगा, अगली इतवार मुलाकात आपसे होती है बशर्ते जिंदगी। अस्सलामुअलैकुम।